हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22202 पुरी सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस में। मैं अभी हूँ पुरी स्टेशन के बाहर, जाते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, फिर जाके आप लोगों से बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा ट्रेन पुरी सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस खड़ा है। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और हमारा ट्रेन छूटने में अभी लगभग 1 घंटा 5 मिनट का टाइम बाकी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये रहा हमारा ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा है। अभी चलते हैं अपने कोच में, फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। गाइस, ट्रेन छूटने में अभी 1 घंटा बाकी है, इसलिए अभी कोच के अंदर नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पर बैठे हैं प्लेटफॉर्म पर और आप लोगों को कुछ जानकारी देना था। ये ट्रेन पुरी से सियालदा के बीच चलता है हफ्ते में 3 दिन। हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को पुरी से रवाना होता है शाम के 7:20 और अगले दिन सुबह 4:05 पर हमें सियालदा पहुंचाती है। बीच में इस ट्रेन का सिर्फ 2 हॉल्ट रहता है। पहला है भुवनेश्वर जंक्शन और उसके बाद रहता है खड़गपुर जंक्शन, उसके बाद डायरेक्ट हम सियालदा पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने कोच के सामने, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये रहा हमारा कंपार्टमेंट जो कि है S4। तो चलते हैं कोच के अंदर, उसके बाद आपको हमारा सीट अच्छे तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, पुरी सियालदा है दुरंतो एक्सप्रेस। तो हम एंटर कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। अभी लाइट्स ऑन नहीं हुआ है, पूरा अंधेरा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सीट नंबर 7, साइड लोअर। तो आज हम आपको लोकोमोटिव दिखाए थे कि आज हमें कौन सा लोकोमोटिव मिला है पुरी से सियालदा के बीच। तो चलते हैं सामने, फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं लोकोमोटिव के सामने और दिखा दे आपको कौन सा लोकोमोटिव मिला है। दोस्तों, हमें मिला है हावड़ा लोको सेट का WAP5, इसका नंबर है 30198। WAP5 लोकोमोटिव इंडिया का वन ऑफ मोस्ट पावरफुल पैसेंजर लोकोमोटिव है। यहाँ पर बहुत अंधेरा है, ठीक से दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही होगा। दोस्तों, हमारा पुरी सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस का कोच पोजीशन के बारे में बात करूं आपसे। हमारा दुरंतो एक्सप्रेस में टोटल 7 स्लीपर कोचेस, 4 AC 3 टायर, 1 AC 2 टायर और 1 AC 1st क्लास मिलता है। और इसमें लॉकडाउन के बाद से एक सुविधा मिला है, एक DL कोच दिया गया है, जिसका मतलब है इसमें लगेज भी जाता है और पैसेंजर भी ट्रेवल कर सकते हैं। और मेरे बगल से गुजर रहा है, मतलब देख सकते हो, पुरी तिरुपति एक्सप्रेस। ये ट्रेन पुरी से रोजाना गुजरता है और 2 दिन बाद आपको पहुंचाता है तिरुपति। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन निकल गया पुरी से। तो पुरी सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस का फेयर बताऊं तो पुरी से सियालदा तक इसमें एक DL कोच है जिसका फेयर है 330 रूपए। इसमें स्लीपर कोचेस का फेयर है 630 रूपए। AC 3 टायर का फेयर है 1585 रूपए। AC 2 टायर का फेयर है 2140 रूपए। AC 1st क्लास का किराया है 2640 रूपए। और अगर आप भुवनेश्वर या खड़गपुर से इस ट्रेन में बोर्ड करते हो तो उसका किराया
कम पड़ेगा वो आप IRCTC से देख सकते हो। दोस्तों ट्रेन की क्लीनलीनेस के बारे में बात करें तो अच्छा क्लीनलीनेस है ट्रेन में, आपको दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों शुरू करते हैं मिरर से। यहाँ पर देख सकते हो आप गेट से एंटर करते हो जब, वहाँ पे आपको एक मिरर देखने को मिलता है। इसमें आप एकदम साफ मिलेगा मिरर, थोड़ा सा पानी का दाग है वो तो होना ही है, सभी ट्रेन में ज्यादा होता है। इसमें क्लीनलीनेस अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हो आप बेसिन, यहाँ पर पानी फिलहाल आ रहा है और नीचे डस्टबिन दिया गया है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप डस्टबिन को जरूर यूज कीजिए। यहाँ पर भी एक डस्टबिन रखा है, दो दो डस्टबिन है यहाँ पर, आप लोग प्लीज डस्टबिन यूज कीजिए। अभी आपको दिखाता है ट्रेन का वॉशरूम। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इंडियन स्टाइल है, नीचे मैं नहीं दिखाता हूँ इसीलिए नीचे अभी नहीं दिखाऊंगा। ट्रेन की साफ सफाई बोलूं तो यहाँ पर मिरर देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा साफ है। यहाँ पर पानी का दाग भी नहीं है, ऊपर एक लाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बेसिन है, बेसिन फिलहाल साफ है और यहाँ पर अभी पानी भी आ रहा है। नीचे इंडियन स्टाइल यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को मैं नीचे नहीं दिखाऊंगा। कुछ लोग ये पसंद नहीं करते हैं इसीलिए मैं भी पसंद नहीं करता हूँ इसीलिए नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों बाहर चलते हैं और चलकर आपको वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम अभी आ चुके हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। लॉक कर देते हैं, लॉक कर दिया। यहाँ पर भी मिरर है, यहाँ पर छोटा मिरर दिया गया है, ये साफ है, थोड़ा सा गंदा है। और नीचे बेसिन है, सेम है बेसिन। यहाँ पर पानी तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो स्विच है वो टूटा हुआ है। और यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल है, आप लोगों को मैं नहीं दिखाता हूँ। तो क्लीनलीनेस के मामले में ये ट्रेन अच्छा लगा, इसको मैं 5 में से 4.7 दूंगा रेटिंग। तो मिलते हैं कोच के अंदर, आपको हमारा कोच का इंटीरियर भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कोच, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल साफ है। यहाँ पर कोच के अंदर एक मिरर दिया जाता है जो एकदम साफ है। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जर मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा, मतलब आप अगर अपर बर्थ आपका है तो आपके लिए दो चार्जर्स मिल जाएंगे दोनों के लिए। नीचे यहाँ पर चार्जर नहीं मिलता, यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाता है दो दो। यहाँ पर आप लोगों को कुछ सामान या कुछ रखने के लिए हैंगर मिल जाता है। और इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाता है साइड अपर पे। नीचे भी आपको यहाँ पर चार्जर मिल जाएगा, फैन का स्विच मिलेगा। दोस्तों ऊपर में भी आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा, बहुत सारे हैं। और ऊपर एक छोटा सा लाइट मिल जाता है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर फैन है। तो बोला जाए तो ये ट्रेन स्पेशल है। दोस्तों हम आज कवर करेंगे 518 किलोमीटर और इस ट्रेन में टाइम लगेगा 8 आवर्स 45 मिनट्स और बीच में सिर्फ दो होल्ड्स है, भुवनेश्वर और खड़गपुर। इस ट्रेन की स्पीड के बारे में बात करें तो इसका एवरेज स्पीड है 59 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये LHB रेक के साथ चलता है इसलिए इसमें 130 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रखा गया है। दोस्तों आप अगर हमारा चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसे जर्नी मेरे चैनल में आते रहते हैं। और अगर आप वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों इस जर्नी में हम बहुत सारे ट्रेन्स को क्रॉसिंग करते हुए आपको दिखाएंगे,
तो व्लॉग को एंजॉय कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखते रहिए, अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों को ये दावे देके बोल सकता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब ट्रेन डिपार्ट करेगा, और बहुत सारे स्टॉप्स को ये स्किप करते हुए सियालदह पहुँचेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप जर्नी कर रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए, अपने पास एक छोटा सा सैनिटाइजर रखिए, इससे बार बार अपना हाथ साफ करते रहिए। और पूरी स्टेशन पे यहाँ पर बोर्ड पे लिखा भी है कि अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो आपको 500 रुपये तक जुर्माना पड़ सकता है, आप भुगत सकते हैं जुर्माना। तो मास्क पहनिए, खुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए, हमें स्वस्थ भारत फिर से लाना होगा, और ये हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रहने के हमारा ही कर्तव्य है। तो खुद भी मास्क पहनो और दूसरों को भी मास्क पहनने उनको सजेस्ट करो। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग टाइम देख सकते हो, 7:20 बज चुका है और ट्रेन अभी गुजरेगा। यहाँ पर सिग्नल भी मिल चुका है ट्रेन का। दोस्तों, ट्रेन डिपार्ट कर चुका है पूरी टर्मिनल से। देखिए, यहाँ पर 7:20 पे ही निकला है ट्रेन, एकदम ऑन टाइम। दोस्तों, आप लोग ट्रेन छूटने के हमेशा पहले ही ट्रेन के अंदर बोर्ड कीजिए, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म और ट्रेन का बीच कितना ज़्यादा गैप है। तो दुर्घटना से होने से पहले ही उठिए ट्रेन में, ट्रेन छूटने से पहले ट्रेन के अंदर बोर्ड कीजिए, नहीं तो आप लोगों के साथ कोई दुर्घटना घट सकता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो पूरी डिपार्चर। बाय बाय पुरी, बहुत जल्द मिलेंगे फिर से।
दोस्तों 62 किलोमीटर ट्रेवल करके हम पहुंचे हैं भुवनेश्वर और यहां पर हमारा ट्रेन ऑन टाइम है। तो यहां से छूट के हमारा ट्रेन पहुंचेगा डायरेक्ट खड़गपुर जंक्शन। तो कोशिश करेंगे खड़गपुर को कवर करने का, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। तो टाइम यहाँ पर लगभग हो चुका है डिपार्ट करने का, तो चलते हैं। और भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, आप सभी जानते ही है। कोविड के पहले इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज नहीं था, पर कोविड के बाद से जब दुरंत चलने लगा तो यहाँ पर स्टॉपेज दिया गया है। गाइस, हमारा ट्रेन ऑन टाइम पर भुवनेश्वर से डिपार्ट कर चुका है और अगला स्टॉपेज है खड़गपुर, जो कि रात के 1:10 पे टाइमिंग है खड़गपुर पे। अगर
इस रात की 10 बजे है और मुझे थोड़ा सा नींद आ रहा है तो थोड़ा सा सो लेते हैं, उसके बाद चार दिन मिलेगा और फिर मिलेंगे आप सभी से। गुड नाइट गाइस। दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 1:21 और हमारा ट्रेन अभी भी खड़गपुर जंक्शन को क्रॉस किया है और अगला स्टॉपेज है सियालदह। तो ट्रेन अभी 5 या 6 मिनट डिले चल रहा है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पहुंच चुके हैं हमारा डेस्टिनेशन सियालदा। हमें हमारा ट्रेन एकदम ऑन टाइम पहुंचाया है सियालदा पर। तो जर्नी यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय।